परमेश्वर के रहस्य बांटिए भाई भक्त सिंह के द्वारा। मई 16 पुनः प्राप्ति के रहस्य। जिन वर्षों की उपज को दल वाली, रेंगने वाली, उजाड़ने वाली और कुतरने वाली टिड्डियों ने अर्थात मेरे भेजे हुए दल ने खा लिया था, उनकी हानि मैं तुमको भर दूंगा। योएल की पुस्तक 2:25। क्या आप ये जानते हैं कि अगर आपके पाप क्षमा न हुए तो परमेश्वर की नजर में आपका जीवन एक बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं है। योएल 1:4 में हम उन कीड़ों के बारे में पढ़ते हैं जो एक किसान की उपज को खा जाते हैं। कुतरने वाली टिड्डी, दल वाली टिड्डी, रेंगने वाली टिड्डी और उजाड़ने वाली टिड्डी। किसान जमीन को जोतते हैं, बीज बोते हैं और बड़ी आशा रखते हुए रात दिन कड़ी मेहनत करते हैं। बीज फल भी लाता है, लेकिन जब फसल की कटनी का समय आता है तब वे यह पाते हैं कि किसी कीड़े ने आकर उनकी फसल को नष्ट कर दिया है। यह हो सकता है कि फसल के एक भाग को कुतरने वाली टिड्डी ने, दूसरे भाग को दल वाली टिड्डी ने, तीसरे भाग को रेंगने वाली टिड्डी ने और चौथे भाग को उजाड़ने वाली टिड्डी ने खा लिया हो। तब क्या बचा रहेगा? कुछ नहीं, सब खत्म हो जाएगा। और परमेश्वर क्या कहता है? अरे पापियों, तुम अपना जीवन क्यों बर्बाद करते हो? आपका जीवन उस खेत की तरह है जिसे कुतरने वाली टिड्डी, दल वाली टिड्डी, रेंगने वाली टिड्डी और उजड़ने वाली टिड्डी ने खा लिया हो। आज वास्तव में आपकी यह हालत हो सकती है। आपको यह एहसास भी है कि आपका जीवन बर्बाद हो चुका है या हो रहा है, लेकिन आपके लिए भी आशा है। आप हर एक हानि की भरपाई कर सकते हैं। आपका नुकसान चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, कितना भी नीचे गिरने वाला क्यों न हो, फिर भी आपकी हानि का पुनः प्राप्ति किया जा सकता है। आपका जीवन भरपूरी से फलवंत हो सकता है और आपकी पुनः प्राप्ति के हर एक मिनट में आप अनंत फल पैदा कर रहे होंगे। प्रभु यीशु मसीह में बने रहने से हम बना रहने वाला फल लाते हैं। यह उद्धार का बड़ा अद्भुत चमत्कार है। हालांकि हमने अपने जीवन कितने पापमय और लज्जाजनक तरीकों से बर्बाद किया है, फिर भी प्रभु यीशु मसीह में आने से और उसके साथ जुड़ जाने से हम एक भरपूर रूप में फलवंत हो सकते हैं।